अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक अवैस और आज आपके लिए मैं रिव्यू लेके आया हूँ होंडा सिविक 2019 मॉडल का। आज की इस वीडियो में आपको गाड़ी की सारी कंडीशन वगैरह दिखाई जाएगी, फुली डिटेल रिव्यू प्रोवाइड किया जाएगा और ये गाड़ी फॉर सेल है, कार्स वैली के ऊपर ये गाड़ी खड़ी है, इसकी डिमांड वगैरह आपको सब कुछ एंड में बताई जाएगी। और ये व्यूवर्स, आप इस गाड़ी की दूसरी साइड देख सकते हैं, 360 वॉक अराउंड आपको मैंने दिखा दिया, तो चलिए डिटेल में बात करते चलें। तो ये गाड़ी 2019 मॉडल है और इसमें ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, ये वाली, ये 2020 के बाद से ये गाड़ी की लाइट्स जो हैं ये चेंज हो गई थी। इसमें प्रोजेक्शन LED लैंप दिया गया है, बाकी लाइट्स यहाँ पर ये DRL प्रोवाइड किया गया है, बाकी लाइट्स हेलोजन बल्ब में दी गई हैं। क्रोम की ट्रिमिंग प्रोवाइड की गई है फ्रंट बम्पर के ऊपर। यहाँ पर देखते चलें तो होंडा का मोनोग्राम और इससे नीचे यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है। फॉग लैंप्स LED में प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके साथ क्रोम ट्रिमिंग भी दी गई है। फ्रंट बोनेट की बात करते चलें तो लुक्स में इसमें दो करेक्टर लाइंस प्रोवाइड की गई हैं, चार करेक्टर लाइंस प्रोवाइड की गई हैं, जो कि बोनेट को काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। और ये गाड़ी जो है अपनी लुक्स की वजह से ही बिकती है, जो भी होंडा से बिकती है अपनी लुक्स की वजह से बिकती है। साइड प्रोफाइल के ऊपर आते चलें तो यहाँ देखें, इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं, होंडा के ओरिजिनल 225/55R16 का टायर साइज़ है, 16 इंच डायमंड कट स्टाइल में अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं। फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दी गई है। साइड व्यू मिरर गाड़ी के बॉडी कलर्ड है विद इंडिकेटर। और यहाँ साइड पर भी देखते चलें तो डोर्स के ऊपर काफ़ी शार्प करेक्टर लाइंस प्रोवाइड की गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी डोर बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स हैं। स्मार्ट एंट्री के साथ एयर प्रेस गाड़ी में इंस्टॉल नहीं आते। क्रोम ट्रिमिंग आप देख सकते हैं, डोर्स के ऊपर क्रोम ट्रिमिंग दी गई है। बैक लुक्स की बात करते चलें तो यहाँ आपको मैं बैक लुक्स भी दिखाता हूँ इसकी। ब्रेक लैंप्स की बात करें तो ये देख सकते हैं LED प्लस हेलोजन लाइट्स में दी गई हैं। नीचे यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। 1.8 IVTEC ओरियल का मोनोग्राम यहाँ दिया गया है, होंडा का मोनोग्राम और लेफ्ट साइड के ऊपर सिविक का मोनोग्राम है। इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते, यहाँ पर रियर व्यू कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है। रियर विंडशील्ड पे ABS प्लस VSA की ब्रांडिंग की गई है, डिफोगर के साथ आता है, हाई माउंट ब्रेक लैंप यहाँ मौजूद है। इंटीरियर में आते हैं और इंटीरियर आपको मैं गाड़ी का दिखा देता हूँ। इस वक्त मैं होंडा सिविक 2019 मॉडल के कैबिन में मौजूद हूँ। गाड़ी आपको मैं स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। सो व्यूवर्स, ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इसके टोटल ट्रिप में 14,996 इसका ट्रिप में चेंज करके आपको दिखाता हूँ टोटल गाड़ी कितनी चली है। अच्छा, तो ये देखते चलें व्यूवर्स, ये ऑलमोस्ट 68,569 किलोमीटर रन हो चुकी है। यहाँ पर इसके ट्रिप मीटर में आपको गाड़ी की फ्यूल एवरेज वगैरह शो होती है। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन, इंजन हीट इंडिकेशन, गियर इंडिकेशन वगैरह आपको यहाँ सेंटर पैनल में शो होती हैं। ये मैंने गाड़ी ऑफ कर दी। यहाँ एयरबैग के साथ यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ से आप इसके LED पैनल के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, LED पैनल को। राइट साइड के ऊपर देखें, यहाँ पर AC वेंट दिया गया है, यहाँ पुश स्टार्ट बटन मौजूद है, उससे नीचे यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का बटन दिया गया है, ये फोकस कर ले थोड़ा सा, और यहाँ नीचे से आप बोनट ओपन कर सकते हैं। सेंटर की तरफ आते चलें तो AC वेंट्स दिए गए हैं, हैजर्ड लाइट बटन है, LED पैनल, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ नीचे छोटी स्पेस है, आप फ़ोन वगैरह अपना प्लेस कर सकते हैं। यहाँ इस गाड़ी के अंदर दो एयरबैग्स दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक यहाँ डैशबोर्ड में माउंट किया गया है। वहाँ पर AC वेंट भी दिया गया है। और ग्लव बॉक्स की बात करते चलें तो इसके अंदर थोड़ी ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखते चलें तो इस गाड़ी का गियर लेवर है PR&D स्पोर्ट्स और लो गियर में, आप इसको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। उससे नीचे ब्रेक होल्ड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इकोन ड्राइव का बटन यहाँ दिया गया है। यहाँ पर ये व्यूवर्स इसकी आर्म रेस्ट दी गई है, ये आप इसके अंदर स्पेस देख सकते हैं। दो कप, एक कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर छोटी स्पेस दी गई है। सो व्यूवर, ये था इस गाड़ी का इंटीरियर।
यहाँ पर मिरर मौजूद है, लाइट नहीं दी गई सन शेड्स के ऊपर। यहाँ सेंटर बात करते चलें तो यहाँ पर दो लाइट्स दी गई हैं इसकी गाड़ी के। सनरूफ का यहाँ पर कंट्रोल मौजूद है सारा। और ये वाला मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है, मैनुअल डिमिंग के साथ नहीं आता। तो ये था व्यूअर्स इंटीरियर। अब आपको मैं गाड़ी की सीट्स वगैरह भी दिखाता हूँ, उससे पहले आपको मैं डोर दिखाता चलूँ। तो ये है व्यूअर्स गाड़ी का डोर। यहाँ पर ये जिस तरह जिस कलर के अंदर गाड़ी की सीट्स हैं उसी की कॉम्बिनेशन में ये वाली ट्रिम ये फैब्रिक डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर डोर लैच प्रोवाइड किया गया है, ये खूबसूरत सी ट्रिमिंग दी गई है। नीचे यहाँ पर सारी विंडोज़ के कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल हैं। डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ मौजूद है। ट्रंक रिलीज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर स्पेस दी गई है और इसके साथ साथ यहाँ स्पीकर भी मौजूद है। सो व्यूअर सीट्स की बात करते चलें तो ये सीट्स मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये इस तरह कुछ व्यूअर जिस गाड़ी का कैबन है, सीट्स के ऊपर मौजूद हैं। और रियर डोर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेम सिनेरियो है, सेम सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है जैसा कि फ्रंट डोर पर था। यहाँ पर स्पीकर सिर्फ नहीं दिया गया, यहाँ पर स्पेस दी गई है। और यहाँ पर हम बात करते चलें तो लेग रूम गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूज़र वाला लेग रूम तो नहीं होगा इसमें, लेकिन कार के सेडान के हिसाब से काफ़ी अच्छा लेग रूम है। यहाँ पर सीट्स पॉकेट दी गई हैं, एयरवेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ रूफ के ऊपर यहाँ पर भी लाइट दी गई है। रियर बेंच की बात करते चलें तो इसमें तीन हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर दो कप होल्डर प्लेस होते हैं। ये मैं खोल नहीं सकता, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल नई पोशिश हुई हुई है। तो ये है व्यूअर्स इस गाड़ी का इंटीरियर, होंडा सिविक 2019 मॉडल का। ट्रंक स्पेस की बात करते चलें तो काफ़ी डिसेंट इस गाड़ी के अंदर ट्रंक स्पेस मौजूद है। यहाँ नीचे देखते चलें तो इसमें स्पेयर व्हील, स्टपनी वगैरह और इसके साथ जैक पाना सब कुछ यहाँ पर इस गाड़ी की बूट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर देखें तो इसमें कवरिंग वगैरह नहीं की गई, ये सिविक की 10 जनरेशन या 11 जनरेशन में यहाँ पर कवरिंग आ गई थी। तो ये व्यूअर जैसे आप इसका इंजन रूम देख सकते हैं, ये गाड़ी 1800 सीसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है कंपनी से। और इसमें एक वेरिएंट आता है 1500 सीसी टर्बो चार्ज, लेकिन ये 1800 सीसी वाली गाड़ी है। सो ये था व्यूअर्स 2019 मॉडल होंडा सिविक ओरियल यूजी का रिव्यू। इसकी यहाँ पर कार्स वैली के ऊपर डिमांड की जा रही है 56.5 लाख रुपये। आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप ये गाड़ी ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो रابطہ करें। मिलते हैं मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।